किया था, हमारा पासपोर्ट वीजा टिकट वगैरह सब कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम शुरू हुई 1,00,000 रुपये मिलने के बाद, उससे पहले कोई प्रॉब्लम 50,000 रुपये में रामनाइक जी ने दिए थे, लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं था, उनको उन 50,000 रुपये से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको प्रॉब्लम थी 1,00,000 रुपये, क्योंकि 1,00,000 रुपये हमें पहले मिले थे। स्नेहा जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको ऑस्कर फिल्म के लिए आपके आपको एक अवार्ड मिला है, अब आपको कंपनी ने निकाल दिया है या आपने कंपनी छोड़ी है, क्या पूरा मामला है? सर पूरा मामला ये था कि जब हम लोग फरवरी मार्च में जब हम लोग पासपोर्ट वीजा के लिए इधर उधर आना जाना हो रखा था हम लोगों का, और उसी बीच हम अमेरिका भी गए थे, तो फरवरी और मार्च की उन लोगों ने सभी को सैलरी दी थी, जितने भी लोग हम अमेरिका गए थे सबकी दी थी, सिर्फ मेरी नहीं दी थी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद जब मैंने उन लोगों से रीज़न पूछा कि आपने फरवरी मार्च की सैलरी सभी को दी है मेरी नहीं दी है, तो उन्होंने बोला कि आपने यूनिट पे काम नहीं किया था इसलिए आपको सैलरी नहीं दी। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, मैंने काम नहीं किया था, आपने मुझे सैलरी नहीं दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर 1 अप्रैल से मैंने दोबारा से यूनिट को ज्वाइन कर लिया था, मैं यूनिट पर दोबारा काम करने के लिए चली गई थी 1 अप्रैल से लेकर, और 16 मई तक मैंने यूनिट पर काम किया। 16 मई को वो जब सैलरी देने के लिए आए यूनिट पर, बाकी जो और 6 लड़कियाँ मेरे साथ काम करती हैं उन्होंने सब बाकी 6 लड़कियों की सैलरी दी, लेकिन मेरी सैलरी नहीं दी उन्होंने। तो मैंने ऑफिस में फ़ोन करके उनसे पूछा कि भाई आपने मेरी सैलरी क्यों नहीं दी है, मैंने काम नहीं किया था क्या? तो उन्होंने बोला कि हमने तो आपको देखा ही नहीं है यूनिट पर कि आपने काम किया है या नहीं किया, हमने आपको नहीं देखा कि आपने काम किया है नहीं, जबकि मैंने 1 अप्रैल से 16 मई तक यूनिट को ज्वाइन कर लिया था, मैंने काम किया है। जिस यूनिट में आप काम करती हैं वहाँ पर रजिस्टर भी होगा जिसमें अटेंडेंस लगती जी, है जी। सर मेरे पास प्रूफ है, अगर वो ये ऐसा बोल रहे हैं ना कि मैं 6 महीने से यूनिट पे हूँ ही नहीं, तो मेरे पास प्रूफ है, जो अटेंडेंस रजिस्टर है यूनिट का उसमें मेरी अटेंडेंस लगी हुई है, आप वो चेक कर सकते हो। तो अब कंपनी ने आपको निकाला है या आपने कंपनी छोड़ी? सर 16 मई के बाद जब उन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी तो मैं यूनिट पर गई नहीं 16 मई के बाद, जब सैलरी नहीं थी तो मैं जाके क्या करूँ? ये सुनने में कुछ ऐसा भी आ रहा है जो कुछ आपको अखिलेश सरकार से अखिलेश यादव से कुछ पैसा मिला है? नहीं सर, मुझसे उन लोगों ने 1,00,000 रुपये नहीं मांगे थे, सिर्फ तो, सुमन जी से मांगे थे, मुझसे नहीं मांगे थे। तो कंपनी से आपको निकाला गया है? सर मैंने इसलिए छोड़ दिया, मेरी सैलरी नहीं दी उन लोगों ने मेरी सैलरी नहीं दी तो मैं यूनिट पर क्यों काम करूँ, मेरी सैलरी नहीं। तो जैसा कि आपकी सैलरी नहीं मिली है तो क्या आप इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? नहीं सर, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते हैं, सीधा सीधा बस हम लोगों को अपनी जॉब चाहिए, हम जॉब के लिए इधर उधर तलाश में हैं, और अभी भी अगर ये बात सामने आ रही है तो वो इसी वजह से आ रही है, क्योंकि हम कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो वो सीधा सीधा हमसे रीज़न पूछते हैं कि आपने एक्शन इंडिया को क्यों छोड़ दिया, तो हमको रीज़न बताना पड़ता है। सर हम ऐसे ऑस्कर के बाद और इतना कुछ मिलने के बाद, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हम ऐसे हाथ पैर रख के घर पर तो नहीं बैठ सकते हैं, जब एक्शन इंडिया ने हमको छोड़ दिया तो हम कहीं दूसरी जगह तो काम ढूंढेंगे ही ना, और अगर दूसरी जगह काम ढूंढेंगे तो वो लोग सीधा सीधा हमसे रीज़न पूछेंगे कि भाई आपके एनजीओ को क्यों छोड़ दिया। 6 बजे तक लौट जाओगे? क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी आपसे जानना चाहेंगे, आप एक फिल्म बनी थी जिसमें आपको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, और अब आप सुनने में आ रहा है कि आपको कंपनी ने निकाल दिया है, क्या वो मामला रहा है जिससे आपको कंपनी से निकाला गया है? सर अखिलेश सरकार के द्वारा 1,00,000 रुपये का चेक हमें महिला दिवस पर मिला था, जो अखिलेश सरकार ने हमें एज ए गिफ्ट में दिया था। संस्था का कहना था कि वो उसके नियम के खिलाफ है किसी भी कार्यकर्ता का कहीं से कोई भी समाज पार्टी से जुड़ना, तो इसलिए वो चेक मुझे संस्था के खाते में जमा कर देना चाहिए, और मैंने जमा नहीं किया तो संस्था का सीधा डिमांड था कि या तो वो पैसा मैं जमा करूं या फिर मैं संस्था को छोड़ दूँ, तो अगर मैंने जमा नहीं किया तो फिर संस्था को मुझे बाहर दिया। तो उसके बाद आपने क्या किया? आपने पैसा अकाउंट में जमा? सर मैंने पैसा नहीं दिया। तो क्या उन्होंने आपको निकाला या आपने कंपनी? सर हालात ऐसे थे कि मुझे छोड़ना पड़ा। आपने छोड़ा था? जी छोड़ना पड़ा मुझे, हालात वो थे कि या तो मैं छोड़ दूँ या फिर वो मुझे सैलरी नहीं देंगे, और अगर वो मुझे सैलरी नहीं देंगे तो डेफिनेटली मुझे काम कहीं और ढूंढना पड़ेगा, और अगर मुझे कहीं और काम ढूंढना है तो उसके लिए मुझे रिज़ाइन देना होगा, तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। तो इसे आप छोड़ना कह सकते हैं, निकालना कह सकते हैं, जो मर्जी कह सकते हैं।
तो अब आप कुछ कानूनी कार्रवाई भी करने की? नहीं सर, हमारा मकसद ना जब किसी से लड़ना था ना आज किसी से लड़ना है। इस बात को कहने का मतलब भी आज ये बनता है कि अगर हम कहीं और काम के लिए जाते हैं या किसी से फंडिंग की बात करते हैं तो सीधा हमें ये रीज़न देना होता है कि हमने पहली संस्था को क्यों छोड़ दिया। तो हमें रीज़न तो बताना पड़ता है कि हमने क्यों छोड़ा। तो रीज़न जो है हम वही बता रहे हैं कि अगर हम 1,00,000 रुपये जमा नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमें संस्था को छोड़ना पड़ेगा। ये संस्था के नियम में आता है, ऐसा उनका कहना है। अगर जमा नहीं करते हैं तो निकल जाओ, और अगर हमें कहीं और काम करना है तो रीज़न देना पड़ता है। इसलिए हमें बताना पड़ रहा है कि हमने संस्था को क्यों छोड़ा या संस्था ने हमें क्यों नहीं